छल्लेडांस जो है वो हमारे पहाड़ का सबसे कल देखा छल्लेडांस, ठीक है। और छल्लेडांस जो है वो हमारे पहाड़ का सबसे पुराना डांस फॉर्म है और सबसे माने जाने वाला फॉर्म है, ठीक है। मतलब उसमें नाचा जाता है, ठीक है। और ये नेपाल और हमारे कुमाऊं में बहुत मनाया जाता है और ये बहुत ट्रेडिशनल है और खासकर नेपाल में भी मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अब कुमाऊं में ही ये माना जाता है। कुमाऊं में मतलब कुमाऊनी जितने लोग होंगे आपको पता होगा, तो ये सब हमारा मतलब ट्रेडिशन है, पुराना, बहुत पुराना ट्रेडिशन है। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है क्योंकि बैंड बाजों वालों की वजह से, क्योंकि ये जो छलिया डांस है ये आजकल बहुत कम कर दिया है लोगों ने बुलाना। लेकिन कल मैं जो शादी में गया था उसमें मैंने ये छलिया डांस देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और मैंने फिर इसको घर में आके सर्च किया तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, रिसर्च की, तो मेरे को पता चला कि ये चीज़ है। तो मैंने सोचा चलो मैंने नेट से देख के बताया तो आपको भी बता देता हूँ एक बार यूट्यूब में। तो ये हमारे पहाड़ का सबसे पुराना डांस है और ये आजकल बहुत कम हो गया शादियों में, ठीक है, क्योंकि बैंड वालों की वजह से। लेकिन हाँ, मैं आपको मेरी तरफ से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस चीज़ों के बारे में कि जितना हो सके इन जो पुरानी चीज़ें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो यार गाइस, क्योंकि बैंड वाला तो क्या है वो तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये अपना छलिया डांस है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो यार गाइस। और जो भी जितने भी हमारे पहाड़ी लोग शादी में जाते हैं तो शादी मतलब करते हैं और तो इनको ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है और अगर हम लोग ये ट्रेडिशन को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा इस चीज़ों का। तो प्लीज़ ये ट्रेडिशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बाय चल रहा है।
बैंड वालों को पत्ते चलाने चाहिए आपको रियल बताऊंगा जहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है, नाच गाना हो चुका है, खाना पीना हो चुका है, ठीक है, और बारात भी आ गई है। अब यहाँ पर शादी ब्याह होगा, तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है घर, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे गुल्लू भाई है और भैया है, साथ में अम्मा और अम्मा भी है एक, तो उनको भी छोड़ना है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। और वैसे भी हमारा जाने का मन जल्दी था, ठीक है, तो मेरा तो अभी भी मन नहीं हो रहा। ये देखो भाई ने निकाल दिए सांड, और यहाँ पर हमारे टैक्सी, ठीक है, भाई निकाल रहा अपना, तो अभी तो यही है। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से हेलमेट वेलमेट पहनते हैं और स्कूटी में बैठते हैं और सीधा मिलता है आपको घर की तरफ। तो चलो चलते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं घर की तरफ, ठीक है। हमने ड्राइवरी और सन को भी भैया अंदर लगा रहे हैं, ठीक है, तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपको दिखाते हैं अपने घर से। सो देखो यहाँ पर हमने टैक्सी पार्क कर दी है, ठीक है, भैया अभी सांड पार्क कर रहा है, और बाकी यहाँ पे भुरो आया है और गोलू भाई खेल रहा है भुरो के साथ, ठीक है। और गोलू भाई फिर शादी में कैसा लगा, मज़ा आया भैया, तेरे को कैसा लगा शादी में, मज़ा आया भैया, हमें भी फुल मज़ा आया, ठीक है। तो इस ब्लॉग को इतने टाइम करते हो, आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर प्रेस बेल आइकन, और आज जिन्होंने यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी किया क्या करो, सब्सक्राइब करो, 6 सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो द रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे ऐसे वीडियो में, ठीक है, चलो।